शिक्षार्थियों आज हम आखिरी चट्टान पाठ पर चर्चा कर रहे हैं यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय का एक पाठ है पहले भाग में हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझा यात्रा वृतांत, विधा के बारे में समझा और हमने जानने की कोशिश की कि इस पाठ में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं अब हम बात करने जा रहे हैं तत्वों के आधार पर इस पाठ के बारे में शिक्षार्थियों आप जानते हैं कि प्रत्येक विधा के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन ऋषि हैं कुलाची हंसराज स्कूल में आप प्राध्यापक हैं आपका पुनः स्वागत है धन्यवाद जैसा कि मैंने बताया तत्वों के आधार पर हम चर्चा करेंगे यात्रा वृत्त का पहला तत्व कौन सा है यात्रा साहित्य के तत्वों के आधार पर पाठ की समीक्षा हम चार आधारों पर करते हैं पहली है निजता स्थानीयता और तथ्यात्मकता चित्रात्मक सरल भाषा ये चार तत्व हैं हमारे जिनके आधार पर हम जो है एक यात्रा साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक यात्रा में जो अपने अनुभव हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि हमने क्या अनुभव किया और उन अनुभवों को हम किस तरीके से लिपिबद्ध करें ये सबसे अहम बात है कि किसी भी चीज़ का जो, जो है सिर्फ ब्यौरा लिख देना उससे यात्रा वृत्ं की जो है रोचकता नहीं बनी रहती तो यात्रा वृत्ंत के जो पहले तत्वों को अगर हम देखते हैं शिक्षार्थियों तो उसमें निजता सबसे अहम है जिसमें स्वयं के अनुभवों को वर्णन करना ये बहुत अहम है शुरुआत में ही ये बात कहता है कि मैं कुछ देर के लिए भूला रहा कि मैं मैं हूँ और यह बात स्पष्ट करता है कि लेखक खुद उस स्थिति से इतना अभिभूत हो चुका है कि स्वयं को भूल गया है उसके बाद एक चर्चा कर करते हुए लेखक ने यहाँ पर इसमें कहा है कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में एक छोटी सी चट्टान और एक छोटी सी चट्टान की तरह वो स्वयं को मान रहा है कि हर यहाँ बिखरी हजारों चट्टानों में से बड़ी बड़ी चट्टानों में से कोई एक छोटी चट्टान सा बनकर मैं यहाँ पर वहाँ के दृश्य के साथ अभिभूत हो चुका हूँ लेखा खुद आ, मन से उसमें शामिल हो जाना यह साबित करता है कि इसमें निजता है वो एक जगह थक गया है बुरी तरह से जैसा शिक्षार्थियों आपने इस पार्ट में पढ़ा होगा कि वो बहुत बुरी तरह थक गया रात होने को हो रही थी लेकिन आ, उसका मन जो है अभी भी जो है नहीं भरा था और उसके लिए वह इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था इसी के साथ निजता का अगर हम कोई एक साक्ष्य देखें इस यात्रा वृत्तांत में तो एक आत्मीयता का भाव यहाँ पर हमें दिखता है लेखक का उस स्थान से पूरी तरह जुड़ जाना यह हर जगह हमें महसूस होता है रेत के हर रंग को अपने पास समेट लेना चाहता है और अपने साथ ले जाना चाहता है और उदास मन से वहाँ आगे चल देता है कि फिर कभी आऊँगा और यहाँ से अपने रंग को ले जाऊँगा इसमें दूसरा तत्व तो जो आपने बताया स्थानीयता का अर्थात वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ का जो वातावरण है वहाँ के जो लोग हैं उन चीज़ों का बड़ा ही सार्थक प्रयोग यहाँ पर रचनाकार ने किया है बिल्कुल सही कहा आपने पूरे इसमें शिक्षार्थी आप देखेंगे कि स्थान विशेष को जब हम विषय बनाकर लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसके परिवेश को वहाँ के संस्कारों को वहाँ के परंपराओं को और साथ साथ वहाँ के एक एक दृश्य को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ की स्थानीय विशेषता जो है उसमें झलकती है और यह बात मोहन राकेश के इस यात्रा वृत्तांत में पूरी तरह से खरी उतरती है कि कन्याकुमारी की विवेकानंद की जो चट्टान का प्रभावकारी वर्णन वहाँ पर किया गया है वह अत्यंत ही रोमांचकारी है साथ ही हर तरफ पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ लग रही थी यह चट्टान के लिए जो कहना ये वह स्थानीय अनुभवों के आधार पर जो कि वर्षों से वह चट्टान जो है वो झेल रही है उन सारी परिस्थितियों को और वह लेखक वहाँ महसूस करता है कि इस पूरी जगह का अगर कोई महत्व है तो उस आखिरी चट्टान का है कन्याकुमारी की पहचान के साथ वो एक अपना स्थान बना चुकी है साथ ही वहाँ के मंदिर वहाँ के पश्चिमी घाट की जब वो चर्चा करते हैं सागर तट की जब चर्चा करते हैं हिल पे जब वो लोगों को देखते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं नारियल के झुरमुटों की बात करते हैं और साथ में अगर देखें तो अंत में जब वो वहाँ के स्थानीय लोगों से जो बात कर रहे हैं एक छोटी सी नाव पर बैठ जाते समय वह अत्यंत प्रभावकारी है जो यात्रा वृत्त के जो लक्षण है उसको और सिद्ध करता है एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी होता है कि इसमें जानकारियाँ बहुत होती हैं अर्थात जो सूचनाएँ हैं उस जगह की उसके बारे में हम अवगत हो पाते हैं जिसको आपने तथ्यात्मकता के रूप में बताया तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं देखिए इसमें तथ्यात्मक की बात अगर करें तो यात्रा वृत्तांत अगर सही तब माना जाता है जब हम एक सच्ची जानकारी के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें अन्यथा वो एक काल्पनिक कहानी जैसा लगेगा तो इसके लिए ज़रूरी है अगर इस तथ्यों के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो ये यात्रा वृत्तान्त जो मोहन राकेश सैंडल पे लोगों के बारे में कहते हैं तो संख्या तक सुनिश्चित बताते हैं वो कि आठ दस नवयुवतियाँ थीं और छः सात जो है वहाँ पर नवयुवक थे दो तीन गांधी टोपी वाले व्यक्ति वहाँ खड़े थे कुछ मिशनरी के युवतियाँ जो है वहाँ पर उपस्थित थीं ढेर सारी भीड़ जब है जब दूसरी बार वो बात करते हैं सूर्योदय की तो सूर्योदय के समय ढेर सारे लोग वहाँ बताते हैं कि वो अर्घ देने के लिए वहाँ पर जैसे इकट्ठे हुए हों तो ऐसा लगता है कि बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन है और हर चीज़ को वो गौर करते हैं और उसको लिपिबद्ध भी करते हैं तथ्यों की जानकारी सबसे बड़ी बात है कि जो तथ्य हैं वो स्पष्ट करते हैं कि काल्पनिकता से दूर हैं बल्कि खुद सामने उन्होंने देखा है जैसे बात की जाए अगर गेस्ट हाउस के बैरिक जो है सूर्यास्त के समय कॉफ़ी पिला रहे हैं सूर्योदय के समय कॉफ़ी पिला रहे हैं ये दोनों जो बात है वो खुद वहाँ अनुभव किया आँखों से देखा और उन तथ्यों को उन्होंने बताया जैसा कि अक्सर आप किसी भी होटल में रुकते हैं तो सुबह और शाम की कॉफ़ी या चाय मिलती है और ये स्वाभाविक सा लगता है बिल्कुल साथ ही अगर देखें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रेत के रंग का बदलना ये खुद वहाँ पर होकर ही आप महसूस कर सकते हैं आप किसी भी माध्यम से आप ये नहीं बता सकते कि उस समय रंग कैसा होगा हालांकि लेखक ने उन बदलते रंगों का भी उल्लेख यहाँ पे किया है कि वो सुनहरे होते हैं फिर गहरे रंग होते हैं और रंग हर पल बदलते जा रहे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण एक और तत्व है भाषा का इसकी इनकी भाषा किस तरह की है भाषा देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा रही है इसीलिए ज़्यादा लोगों तक ये प्रभावकारी रहा और समझ बनी इससे विदेशी शब्द जहाँ जरूरत थे स्वाभाविक रूप से आए हैं के फोटल हो, हो बात टैब हो लकीरें हो, जो कि एक विदेशी शब्द है इनका एक स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रयोग किया है और आम बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो टोलियाँ टोकरी टीला खरोंच मोहल्ले जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है इससे क्या है कि एक उनके वर्णन में रोचकता आई है और बातचीत की जो शैली है वह अपने आप में इस यात्रा वृत्तांत को और ज़्यादा प्रभावकारी बना देती है और सच कहें तो इसमें चित्रात्मक जो सरल भाषा है ये यात्रा वृत्तांत की सबसे ज़्यादा प्रभावकारी शैली होती है इसके माध्यम से सीधा पाठक विषय वस्तु से जुड़ जाता है लालित्यपूर्ण बनाने के लिए विशेषणों का प्रयोग काफ़ी किया है उन्होंने इसीलिए भाषा प्रयोग के अंतर्गत हमने इसमें संज्ञा और विशेषण की भी चर्चा की है अगर हम आ, देखें भाषा शैली तो जैसा मैंने पहले भी शिक्षार्थियों आपसे कहा कि सरल व युक्त है आपने इसे पढ़कर भी देखा होगा तो जैसे लगता है कि एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और वो उत्सुकता भी बनी रहती है कि और सारी जानकारियां हम प्राप्त करते रहें तत्सम शब्द हालांकि इसमें बहुत कम है लेकिन फिर भी क्षितिज सूर्योदय सूर्यास्त जैसे शब्दों का प्रयोग आप यहाँ देख सकते हैं विदेशी शब्द जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें मिशनरी श्या कैनवस सर और वीरान जैसे शब्द यहाँ पे हैं और लालित्य प्रभाव जैसा कि वो स्पष्ट हैं और बड़े आकर्षक हैं और यात्रा साहित्य के बिल्कुल अनुकूल इनकी भाषा है ये जो है हम इसमें देखते हैं साथ ही जैसे अगर हम देखें इस पाठ के माध्यम से हमारे शिक्षार्थी और क्या प्राप्त कर सकते हैं जो हमने इसमें इस पाठ के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की है संज्ञा शब्दों से किस प्रकार जो है विशेषण बनाया जा सकता है और विशेषण शब्दों से कैसे संज्ञा बनती है तो ये देखिए जैसे शिक्षार्थी आप इसमें देखेंगे सोना शब्द जो है संज्ञा है और इसका विशेषण है सुनहरा रेत रेतीला और इसी प्रकार बहुत सारे शब्द आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण किया जाता है और विशेषण शब्द हैं तो उनकी संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है जैसे शाह शब्द का प्रयोग इस पाठ में हुआ है शाह से ही संज्ञा शब्द होगा श्या ऊंचा शब्द जो है विशेषण है और ऊंचाई जो है संज्ञा है तो शिक्षार्थियों आपने देखा कि इस पाठ के माध्यम से हमने कई बातों को सामने रखा और यात्रा वृत्तांत के तत्वों को सामने रखा रचनाकार के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त रचनाकार के बारे में जो बताया जाए तो जैसा आप शिक्षार्थियों जानते हैं और कि इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था और शिक्षा जो है हिंदी एवं संस्कृत में इन्होंने एम किया था और एक ये सुप्रसिद्ध नाटककार थे आधे अधूरे लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन ये तीन प्रमुख हैं जिन्हें शिक्षार्थियों को ज़रूर जानना चाहिए कि इस पाठ को पढ़ने के बाद यात्रा वृत्तान्तों को और पढ़ने की भी जिज्ञासा आपके अंदर रही होगी तो अगर संभव हो तो हरिद्वार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र देश विदेश मेरी यात्राएं रामधारी से दिनकर अरे या यावर रहेगा याद अग्ञे घुमकर शास्त्र मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे और भी प्रसिद्ध और लोकप्रिय यात्रा वृत्तांतों को आप पढ़कर अपने ज्ञान को और अर्जित करें और इस प्रकार जो है इस पाठ को आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे शिक्षार्थियों तो आज हमने आखिरी चट्टान पर विस्तार से चर्चा की और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी धन्यवाद